भाई अपने चौबीस साल की ज़िंदगी में मैंने बहुत कुछ देखा है बट आज सुबह सुबह ट्विटर खोल के जब ये देखा तो मुझे अपनी ज़िंदगी पे यकीन नहीं हुआ और मैं दोबारा से जाके सो गया

कि एक्चुअली में मैं, मैं चाहता हूं लेजिट रोमन रेंस के साथ फाइट करे एंड लाइक वट आर योर थॉट्स डू यू थिंक कि अगर रोमन रेंस ऑल एड रेसलिंग में आते हैं तो जो लोग कहते हैं कि अरे यार रोमन रेंस के अंदर तो करिश्मा नहीं है वो तो ऐसे टॉप टॉप पोजिशन पर बैठा हुआ है वट यू थिंक अगर वो ऑल एली रेसलिंग में आते हैं तो क्या उधर नहीं बैठेंगे टॉप पोजीशन पर आई हाईली डाउट दैट तो वो डेफिनेटली कमेंट्स में लिख कर बताना ये क्वेश्चन रहने वाला है लाइक जस्ट इमेजिन द सिनेरियो कि अगर डब्ल्यू से रिलीज हो गई या फिर उन्होंने खुद क्विट कर दिया और ऑल लेटेस्ट लिंक में जाते हैं तो वो लाइक ऑफकोर्स यूट्यूब शो पर थोड़ी ना जाएंगे वो तो सीधा टॉप स्टार बनेंगे डेफिनेटली कॉमेंट्स में लिख के बताना एंड यस yes, जो सबसे पहला मैच मैंने रखा है वो है उनका एडी किंगस्टन के साथ आई हैव सीन एडी किंगस्टन के मैच आई हैव सीन हिज प्रोमो वर्क एंड वो बंदा मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू के किसी के स्टार के साथ भी बिठा दो तो वो लाइक फिट बैठ जाएगा ही ही इज इज लाइक द अभी तो भले ही वो रेसलर्स के बीच में घिरा हुआ है और शायद उसको रेसलर बनने में ही मजा है बट आई डोंट नो की इफ ही नोज कि वो बंदा सुपर स्टार बनने के डेफिनेटली केपेबल है एंड इफ एडी किंगस्टन वर्सेज रोमन रेन हैपन दो वो डेफिनेटली मैच या फिर राइवलरी बैंक करने वाली है अगला सुपर स्टार जो मैंने रखा है वो है मैक्सवेल जेकब फ्रीडमैन आई मीन वाई नॉट ये तो डेफिनेटली

उसके से भी बढ़िया रहेगी ना कि किस तरह से सीएम पंग वॉन्टेड क्रिस हीरो आए ना कि रोमन रेन्स तो फिर उस उस नजरिए से देखने में भी अच्छा लगेगा एंड ऑफ कोर्स हु इज द रियल नीडल मूवर वो हमें तब पता चल ही जाएगा नेक्स्ट अप मैंने रखा है रोमन रेन्स वर्सेस जॉन मॉक्सली अगेन बहुत ही इजी पिक था मतलब आप ये तो ऑफकोर्स थंबनेल में भी मैंने डाला है द शील्ड के फॉर्मर द स्टोरी कैन बी बट लाइक डेफिनेटली बहुत कुछ कह सकते हैं कि भाई साहब तेरे साथ रह मैं पागल हो गया था इसीलिए मैं दूसरी कंपनी में गया एंड फिर वो भी कुछ बोल देंगे तो स्टोरीवाइज तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं एंड मैच के अंदर में भी ये डिस्ट्रक्शन डेफिनेटली प्रोड्यूस कर सकते हैं एंड फाइनली जो मैच मैंने रखा है वो है रोमन रेंस वर्सेस केनी ओमेगा एक ऐसा मैच जिसके लिए हम वेट कर रहे हैं सिंस द एजेस आई थिंक 2017 नहीं नहीं 2018 के आसपास का टाइम था जब मैंने ड्रीम मैचेस की वीडियो बनाई थी रोमन रिन्स वर्सेस केन यूमेगा मैंने रखा था 2022 आ चुका है अभी तक इसके कोई चांसेस दिख नहीं रहे हैं जब तक कि कोई एक बंदा एक कंपनी से दूसरे कंपनी में जंप शिफ्ट नहीं मारेगा नॉट गोइंग टू हैपन और जितनी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है उतना इस ड्रीम मैच में मजा आता है रोमन रिन्स वर्सेस केन यूमेगा इसीलिए इतना स्पेशल दिखता है क्योंकि दोनों सुपरस्टार अपनी कंपनी से बहुत लॉयल है

वो बोल सकती है विनायक मिश्रा ने लिखा माय ओपिनियन इज दैट रैंडी ओटन इज स्टिल बिगर स्टार देन कुडी रोड्स एंड ही विल बी द मेजर ओपोनेंट ऑफ रोमन इफ दिस मैच हैपन्स। आई वांट वोल्टा ए गुंता टू बी द थर्ड गाय ऑफ लेक। ओ वाओ दैट इज ग्रेट अगर लेगेसी में आते बट नहीं यार उनका वो अपना चलेगा चाहे कुछ भी कर लो वो एक सेपरेशन रहने वाला है एंड लेगेसी आई डोंट नो नो मैन यू बट रैंडी ओटन इज नेवर ए गुड टॉप बेबी फेस समझ रहे हो मतलब रैंडी इज ए गुड बेबी फेस बट एक टॉप बेबी फेस की कैटेगरी में कभी भी नहीं है जो कि उन्होंने दो के आसपास भी ट्राई किया था वो भी तब भी नहीं हुआ था एज अ हील मैं डेफिनेटली कहूंगा कि अगर रैंडी रैंडियोटन का हील टर्न होता है इसी साल तो रोमन रेंस वर्सेज रैंडियोटन अलग लेवल पे होगा बट फिर उसके का सेंस क्या बनेगा अगर दोनों ही हील हुए थो? तो तो इसीलिए कोडी रोड्स आई स्टिल थिंक कि फॉर रोमन रेंस और एंडी ओटन से बेटर ओपोनेंट का काम करने वाला है बिकॉज कोडी रोड्स इज ए टॉप बेबी फेस राइट नाउ संतोष कुमार ने लिखा चेतन भाई आई एम चैलेंजिंग यू एंड द चैलेंज इज दैट अगर रोमन दो में हारा तो मैं पक्का आपका चैनल का नाम अपने रिस्ट पे बनाऊंगा ओ वाह दैट इज क्रेजी ऐसा कोई क्यों करना चाहेगा मैं खुद नहीं करना चाहूंगा ओके <laughs> okay, ये तब मुझे लगता है कमेंट पता है कब आया जब रिपोर्ट्स आई है ना कि दो हजार तेईस तक रोमन रेंज के कोई प्लान्स नहीं है चैंपियनशिप हारने के वेल आई स्टिल टेक द चैलेंज और उन्होंने ये भी लिखा है कि अगर नहीं तो अपनी वीडियो में सौ बार आई एक्नोलेज रोमन बोलोगे डेफिनेटली टू दैट थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी टू लास्ट डे होने वाला है और अगर उसके पहले रोमन रेंज हार गया

पर समय की मार है ये मेहनत की हार है ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया फ्राइडेज को इसने आर के लगाया फ्राइडेज को इसने आर के ओ